एक करीबी रिश्तेदार से नाराजगी, एक दूसरे के घर आना जाना बंद है, अगर कहीं मिल जाए तो मुसाफा कर लेते हैं, कुछ बातचीत भी कर लेते हैं, क्या ये अमल कतअ ताल्लुक की होगा इस तरह? बस इसमें यह है कि आना जाना बंद है तो इसका मतलब यह है कि दिल में कुछ खार मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि दिल में अगर बौझ कीना नहीं है, नाराज़गी नहीं है, और आपस में फ़ोन के ज़रिए से भी जी अगर आलेख सलेख रखी जाए, घरों में आना जाना वो बवक्त ज़रूरत हो, तो कतअ ताल्लुकी के गुनाह से और शायबे से बच जाएंगे। सही। तो इसलिए कम से कम इतना करना चाहिए। अगर यानी घरों में आना जाना बंद है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बाकी है, तो इस आने जाने को भी बाकी रखना चाहिए, यानी आना जाना भी चाहिए और दिल में कीना नाराज़गी ना रखें। बहुत शुक्रिया। कतअ ताल्लुकी के वईद पर कोई एक आध हदीस अगर सुना दें। ये हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काति'उन, जी कि जन्नत में कतअ रहमी करने वाला नहीं जाएगा। सही। इस हदीस के तशरीह में मुहद्दिसीन ने इसके दो मतलब लिखे हैं। एक तो ये है कि इसके ज़ाहरी अल्फाज को अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो भी रिश्ते को तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अगर वो इस अमल को हलाल समझता है जी, और इस सूरत में तो फिर वो चूँकि एक हराम को हलाल समझ रहा है, फिर तो वो काफिर हो गया और फिर कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। और इसलिए एक मतलब तो इसका यह है कि ये उस शख्स के लिए है, और दूसरा मतलब इसका यह है कि अगर कोई शख्स कतअ ताल्लुक़ को गुनाह समझता है और अपने आप को गुनाहगार समझते हुए बस कुछ इंसानी तकाजे मजबूरियां हैं उसकी वजह से वो कतअ ताल्लुक़ किए हुए हैं और अपने आप को गुनाहगार समझ भी रहा है, तो फिर जन्नत में जाएगा लेकिन दुखूल अव्वली से महरूम होगा, यानी जहन्नम में सज़ा पाएगा। हाँ, जी।